थोड़ी क्लोज कर ली चार एक अधिकारी चार अधीनस्थ अधिकारी 78 अन्य कर्मी आज की स्वच्छता अभियान में शामिल है। श्रीमान जय श्रीमान सर बाट के जय श्रीमान सर एसओ लाइन तोड़ वो सामान ले लो सारे सामान लेके बकेट ले लो आप लोग चलो जल्दी चलो उसी एरिया में चलो सारा गंदगी सारे झाड़ू वाले यहाँ रहेंगे बाकी चलो उधर झाड़ू वाले यहाँ रहेंगे और दो बकेट वाले चलो भाई उसको हाथ खत्म सर क्या नाम है? हाँ मेरा नाम संतोष कुमार है, मैं कमांडेंट 27 NDRF का। और आज जो ये कार्यक्रम हो रहा है स्वच्छ भारत मिशन के तत्वावधान में जन भागीदारी से स्वच्छता के प्रति एक जन आंदोलन पैदा करने के उद्देश्य से सरकार ने एक कार्यक्रम बनाया है जिसमें हम स्वच्छता पखवाड़ा मना रहे हैं 15 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक। और 15 सितंबर से हमारे स्वच्छता के कार्यक्रम अलग अलग स्थानों पर किए जा रहे हैं और आज ये एक विशेष कार्यक्रम है जिसमें सरकार ने बोला है 1 तारीख 1 घंटा और एक साथ मिलकर के हम स्वच्छता करें जिससे कि हमारे जो जल संसाधन है, हमारे वन हैं, हमारे जो सामान्य स्वच्छता है, हमारा वातावरण है, वो बेहतर हो सके। स्वच्छता का लोगों में स्वच्छता के प्रति न केवल जागरूकता लेकिन एक आंदोलन पैदा हो ताकि उनकी जो रोज़मर्रा के कार्यक्रम है उसमें ये शामिल हो कि हमें अपने जो आसपास की चीज़ें हैं, हमारे संसाधन हैं, जल के रिसोर्सेज हैं हमारे, तो उनको वो साफ रखें, ये उद्देश्य है इसका। कौन सी जगह पर ये किया जाए? ये बठिंडा की लेक नंबर 3 पे हम कर रहे हैं, एक बीबी वाला गांव में भी कर रहे हैं और लाडोवाल लुधियाना में हमारी एक टीम गई है, पंचकुला में एक टीम हमारी कर रही है, रोहतक में हमारा एक रीजनल रिस्पॉन्स सेंटर है वहाँ पे हम कर रहे हैं। 5 जगह पे हम लोग आज ये कर रहे हैं और 15 सितंबर से कल 2 अक्टूबर तक ये चलने वाला है। इसके अलावा भी आप जानते हैं स्वच्छ भारत मिशन के तहत लगातार कार्यक्रम होते रहते हैं जिससे हम जागरूकता पैदा करते हैं सामान्य जनमानस में और स्वच्छता के कार्यक्रम करते हैं। कितनी टीमें हमारी कुल मिलाकर के इसमें 5 जगह पे हैं तो 10 टीमें हमारी कहीं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।